क्लास में आपका पूरा स्वागत है। इसके पहले की कक्षाओं में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में हमने चर्चा की थी। डिफरेंट एप्लीकेशंस में एडर के रूप में सब्ट्रैक्टर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, बफर या वोल्टेज फॉलोवर, स्केलर, एवरेजिंग सर्किट, इन सभी ऑपरेशंस के लिए ओपन का इस्तेमाल करते हुए इनके सर्किटरी किस तरह से डिजाइन की जाएगी, आउटपुट वोल्टेज इन सभी केसेस में किस तरह से डिराइव किया जाएगा, हमने ये देखा। आज की क्लास में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एज डिफरेंशिएटर एवं एज इंटीग्रेटर किस तरह से यूज करेंगे ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंशिएटर की बात करेंगे। डिफरेंशिएटर के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में कनेक्शन को समझते हैं। नेगेटिव फीडबैक में रेजिस्टेंस आर लगाएंगे, इनपुट में जो रेजिस्टेंस रहता है इनपुट रेजिस्टेंस को एक कैपेसिटर सी से रिप्लेस कर देंगे और इनपुट वोल्टेज को इन्वर्टिंग टर्मिनल में अप्लाई करेंगे। V1 और V2 जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो V2 है और इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा है V1 है। V2 को ग्राउंड किया गया है। यदि इसका वर्चुअल शॉर्ट इक्विवेलेंट आपको समझ जाए तो इस तरह से वर्चुअल शॉर्ट होगा। V2 ग्राउंड है चुकी तो वर्चुअल शॉर्ट इस तरह से यह होता है कि V1 और V2 दोनों के डिफरेंस की वैल्यू बराबर होगी। इट मीन V1 इक्वल टू V2 होगा। यदि V2 इक्वल टू 0 है तो V1 की भी वैल्यू इफेक्टिवली 0 होती है। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट। उस केस में जो करंट I यहां से फ्लो होगा वही IF के रूप में फ्लो होगा। मीन्स करंट यहां से इस तरह से फ्लो होगी। तो ये करंट I है और ये करंट IF है तो क्या होगा I विल बी इक्वल्स टू IF। I की वैल्यू क्या होगी I की वैल्यू होगी V1 माइनस V1 करेंगे जो वोल्टेज होगा यहां पर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वैल्यू। तो आई वैल्यू क्या होगी तो करंट थ्रू कैपेसिटर विल बी नोन एज आई। तो क्या होगा करंट होगा dQ/dt इक्वल्स टू आई। और IF क्या होगा IF होगा V1 माइनस VO V1 माइनस VO upon R। Q की वैल्यू क्या है Q इक्वल टू C इंटू V होता है V या VC तो वैल्यू क्या आएगी C.VC means VI माइनस V1 इक्वल टू क्या जाएगा C इंटू VI क्यों क्योंकि V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सिंस V1 इक्वल टू 0 ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आप पुट करके देखते हैं तो वैल्यू क्या जाएगी DQ मीन्स D इंटू C इंटू VI अपॉन DT इक्वल्स टू V1 की वैल्यू यहां पर भी 0 आएगी 0 माइनस VO इक्वल्स टू VO अपॉन R माइनस में। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी VO इक्वल्स टू इस R की वैल्यू यहां जाएगी R माइनस यहां लग जाएगा R D VI बाई DT और C की वैल्यू बाहर ले लेंगे R इंटू C। इस तरह से आउटपुट आएगा। आर और सी बाहर क्यों आ गए क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होगा वो जो इनपुट वोल्टेज है जो कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के फॉर्म में होगा वही केवल
टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, इसलिए केवल वी आई डीवाई डी टी के अंदर होगा, बाकी आर और सी कांस्टेंट होंगे इसलिए बाहर आ जाएंगे। इस तरह से आउटपुट वोल्टेज मिला, हमें क्या मिला, इनपुट का डिफरेंशिएशन विथ टाइम कांस्टेंट टी मल्टीप्लीकेशन। इस केस में यदि इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई करें, इस तरह से हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, वी आई, तो आउटपुट क्या मिलेगा, वीओ मिलेगा, ये क्या है, वी साइन ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कास ओमेगा टी, माइनस कास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं, साइन का कोसाइन इस तरह से। ओके, इसके अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटर के बारे में।